नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों आज मैं आपको कार्तिक कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत की कथा सुना रहा हूँ। पार्वती जी कहती हैं कि हे भाग्यशाली लंबोदर, भाषण कर्ताओं में श्रेष्ठ कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को किस नाम वाले गणेश जी की पूजा किस भांति करनी चाहिए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि अपनी माता की बात सुनकर गणेश जी ने कहा कि कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का नाम संकटा है, उस दिन पिंग नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजन पूर्वोक्त रीति से करना उचित है। भोजन एक बार करना चाहिए। व्रत और पूजन के बाद ब्राह्मण भोजन कराकर स्वयं मौन होकर भोजन करना चाहिए। मैं इस व्रत का महत्तम कह रहा हूँ, सावधानी पूर्वक श्रवण कीजिए। कार्तिक कृष्ण संकष्टी चतुर्थी को घी और उड़द मिलाकर हवन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि व्रतासुर दैत्य ने त्रिभुवन को जीत करके संपूर्ण देवों को परतंत्र कर दिया। उसने देवताओं को उनके लोकों से निष्कासित कर दिया। परिणाम स्वरूप देवता लोग दसों दिशाओं में भाग गए। तब सभी देव इंद्र के नेतृत्व में भगवान विष्णु के शरणागत हुए। देवों की बात सुनकर विष्णु ने कहा कि समुद्री द्वीप में बसने के कारण वे निरापद होकर उच्च खल एवं बलशाली हो गए हैं। पितामह ब्रह्मा जी से किसी देवों के द्वारा न मरने का उन्होंने वर प्राप्त कर लिया है। अतः आप लोग अगस्त मुनि को प्रसन्न करें, भी मुनि समुद्र को पी जाएंगे, तब दैत्य लोग अपने पिता के पास चले जाएंगे। आप लोग सुखपूर्वक स्वर्ग में निवास करने लगेंगे। अतः आप लोगों का कार्य अगस्त मुनि की सहायता से पूरा हो सकता है। ऐसा सुनकर सब देवगण अगस्त मुनि के आश्रम में गए और स्तुति द्वारा उन्हें प्रसन्न किया। मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि हे देवताओं, डरने की कोई बात नहीं है, आप लोगों का मनोरथ निश्चय ही पूरा होगा। मुनि की बात से सब देवता अपने अपने लोक को चले गए। इधर मुनि को चिंता हुई कि 1,00,000 योजन इस विशाल समुद्र को मैं कैसे पान कर पी सकूंगा। तब गणेश जी का स्मरण करके संकटा चतुर्थी के उत्तम व्रत को विधि पूर्वक संपन्न किया। 3 महीने तक व्रत करने के बाद उन पर गणेश जी प्रसन्न हुए। उसी व्रत के प्रभाव से अगस्त जी ने समुद्र को सहजी पान करके सुखा डाला। यह उसी व्रत का प्रभाव था कि अर्जुन ने निवात कवच आदि संपूर्ण दैत्यों को पराजित कर दिया। गणेश जी की इस बात से पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हुई कि मेरा पुत्र विश्वबंध और सर्व सिद्धियों का प्रदाता है। कृष्ण जी कहते हैं कि हे महाराज युधिष्ठिर, आप भी चतुर्थी का व्रत कीजिए। इसके करने से आप शीघ्र ही सब शत्रुओं को जीतकर अपना राज्य पाल जाएंगे। श्री कृष्ण के आदेशानुसार युधिष्ठिर ने गणेश जी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उन्होंने शत्रुओं को जीतकर अखंड राज प्राप्त कर लिया। केवल कथा श्रवण करने से ही हजारों अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। साथ ही पुत्र पौत्रादि आदि की भी वृद्धि होती है। बोलो गणेश भगवान की जय।